मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल का पनीर, बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बनेगा, जल्दी से बनकर रेडी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ढाबे की स्टाइल की पनीर की भुर्जी बनानी। बहुत ही आसान है बनानी। एक कढ़ाई ले लेंगे, कोई भी पैन ले सकते हैं आप। इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल, इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। तो 1 टेबल स्पून भर कर जो है हमने देसी घी का डाला है, अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। ये हमने 3 से 4 जो है बड़े प्याज ले लेने, इसको हमने बारीक बारीक जो है चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा टुकड़ा अदरक का बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने इसको तब तक जो है लगातार हिलाते रहना जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो। और देख सकते हैं कलर काफ़ी चेंज हो गया हमारे प्याज का, इस तरह से हमने इसको चेंज करना है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया, 1 चम्मच भरकर हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसके अंदर डालेंगे अपने बाकी के स्पाइसेस, जैसे इसके अंदर डालेंगे सब नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैं इसमें जो है 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। अब इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच में हल्दी पाउडर, इसके अंदर डालेंगे लाल देगी मिर्च 1/2 चम्मच के करीब। आप कम पसंद करते हैं कम डाल सकते हैं और ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखते थे कितना सुंदर सा कलर इसका आ गया। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मटर, ये बॉयल्ड मटर है, ये इसमें डाल देंगे। आपके पास अगर बॉयल्ड मटर ना हो तो आप जो है सफल के मटर भी इसमें डाल सकते हैं, उसको वॉश करके धोकर अच्छे से और इसमें डाल दें। इस तरह से मटर डालकर हम इसमें डालेंगे अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है टमाटर। हमने इसमें 3 बड़े टमाटर लेकर इस तरह से चॉप करके ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। बहुत ही सुंदर सा जो है कलर आ रहा है इसमें, अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, तभी हमारी जो भुर्जी है बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी और टेस्टी बनेगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरह से भून लेंगे, लगातार इसको हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। अच्छे से आप देख सकते हैं ये भून रहे हैं। इसमें अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, 1 चम्मच भर कर जो है हमने कसूरी मेथी का डालना है। इस तरह से हाथ से क्रश करते हुए हमने कसूरी मेथी को डालना है, कर लेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छे से हमारा मसाला जो है भून चुका है, इसमें हम अपना पनीर डाल देंगे। तो ये पनीर लिए मैंने कुछ तो हमने इस तरह से मैश कर दिया, क्रम्बल कर दिया इस तरह से, और कुछ हमने जो है छोटे छोटे पीसेस जो है इस तरह से काटे हैं। पीसेस इस तरह से थोड़े काटेंगे, बाकी हमने जो है इसको क्रम्बल कर लेना है। ये सारा जो है इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब किचन किंग का मसाला, इससे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें और भी मसाले डाले हैं इसलिए बैलेंस करके जो है इसको डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इस तरह से बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। बहुत ही बढ़िया से हमारी ये भुर्जी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की भुर्जी बनी है। आप देख रहे हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये। बस 1 मिनट के लिए इसको तेज फ्लेम में रखेंगे, अच्छे से ये गर्म पनीर जो है हमारा हीट हो जाना चाहिए अच्छे से, और गैस को बंद कर देंगे। ज़्यादा देर को पनीर को एक बार डालने के बाद नहीं रखना चाहिए गैस पे, हमने सिर्फ इसको अच्छे से जो है गर्म कर लेना है। तो लीजिए अच्छे से जो हीट है हर जगह पहुँच चुकी हुई है, हमारा पनीर अच्छे से भून चुका हुआ है, गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया था हमारा ढाबा स्टाइल पनीर बनकर तैयार है। इसमें स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को 1 हरी मिर्च लेकर इस तरह से बारीक बारीक कट करके ये भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी हरी मिर्ची कम पसंद करते हैं। तो लीजिए पसंद आ रहा है आपको तो लाइक का बटन दबा दीजिए, आपकी लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो कमेंट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।